गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम करने जा रहे हैं वैदिक मैथ का फॉर्मूला नंबर 3। ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है कि आपने वैदिक मैथ का फार्मूला नंबर 1 देखा है, 2 देखा है, और तीसरा उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसमें क्या है, फॉलो रूल्स आपने करने हैं, क्योंकि आपको मैं बार बार कहती हूँ कि वैदिक मैथ में जस्ट आपने कुछ जो रूल्स है वो दिमाग में याद रखने होते हैं, और उसके बाद कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उसे टिप्स पर कर सकते हो। तो फॉर्मूला नंबर 3 में क्या है कि मल्टीप्लाइकेशन विद 999, अगर पीछे कोई भी डिजिट इन केस 99 का आता है, या 99 आता है, 999 आता है, 49 आता है, तो आप विद इन 30 सेकेंड में उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर वैसे निकालो तो आपका 10 मिनट भी निकल सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, और एक आधा डिजिट भी गलत पड़ गया, कैरी ना डाला, तो आपका आंसर सारा रॉन्ग हो सकता है। लेकिन इस टेक्निक के द्वारा आप विद इन 30 मिनट में आप ये आंसर निकाल सकते हो। तो थोड़े रूल्स ये है कि सपोज करो कि आपके 3 जहाँ डिजिट हैं, जैसे 6 7 8 है, इधर भी 3 डिजिट है, जहाँ जहाँ पर 78 है 2 डिजिट है, उधर 3 डिजिट है। इट मीन्स एग्जाम्पल ये है कि आपके लास्ट में डिजिट जो 99 ही होने चाहिए, उसमें यह रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा दूसरा इसका रूल्स है। पहली कंडीशन तो ये कि आप जिसकी मल्टीप्लाइकेशन करने जा रहे हो ना, जहाँ पर ये रूल्स अपनाओगे वहाँ पर लास्ट डिजिट जो 99 के होने चाहिए। और सेकंड रूल ये है कि जो फर्स्ट वाला डिजिट है ना, फर्स्ट जैसे 6 7 8 है, या 78 है, या 3 3 5 4 2 है, उसमें क्या करना है आपने, जो लास्ट वाला डिजिट है ना, जैसे 2 है, 8 है, या यहाँ पर 8 है, लास्ट में 1 माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। देखते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी है 47 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो वैसे मैं अगर उसकी मल्टीप्लाइकेशन करते जाऊँगी तो मेरे कम से कम 2 3 मिनट तो हंस कर ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम रूल्स अप्लाई करेंगे, 47 में मैंने 1 माइनस कर दिया तो कितना रह गया, 46। ठीक है, अब जो मेरा 46 था उसे मैंने 99 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 से 6 गए 3, 9 से 4 गए 5, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया 53, और जो मेरा 1 माइनस किया आया था वो मेरा आ गया 46। देखो, आई थिंक मैंने 30 सेकेंड कहे थे, तो ये 10 सेकेंड में निकल गया कि 47 में मैंने जहाँ 1 माइनस किया तो सीधा मैं यहाँ 46 भी लिख सकती हूँ, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पर माइनस किया, जो भी मेरा माइनस करके आया तो वो मेरा आंसर निकल जाता है। ऐसे और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे 5 2 4, तो क्या करना है आप बोलो, क्या करेंगे? यस बेटा, हम 4 से 1 माइनस कर देंगे, तो 4 से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 3, तो बाकी रकम हमने एज इट लिख दी, 5 2 3। अब हमने क्या किया, जो 999 था उसके बीच में ये जो वाली रकम है ना वो माइनस कर दी, तो वो हमारा आंसर क्या आया, 9 से 3 किया 6, 9 से 2 7, 9 से 5 किया 4, तो मैंने वो दूसरी रकम यहाँ पर लिख दी, तो मेरा आंसर आ गया। आप फोन पर, कैलकुलेटर पर, या किसी भी तरह आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल है 2 6 7 मल्टीप्लाई, जैसे 4 9 आ जाते हैं, तो सेम एग्जाम्पल है, तो 7 से 1 गया तो 6 आ गया, 2 6 6। अब इसी चीज़ को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई के सॉरी यहाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 9 से 6 3, 9 से 6 3, 9 से 2 गए 7, और जो मेरा ये आंसर आया था वो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, तो रूल्स हमने क्या फॉलो करने हैं कि पहले 1 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमने जो 1 सब्ट्रैक्ट करके हमारी रकम आई है उसको दूसरी रकम से निकालना है, और निकाल कर हमने जो है जो हमारा आंसर आया वो सेम टू सेम लिख देना है। वंस अगेन, फिर भी नहीं समझ आया तो आपने ध्यान से देखना है रूल्स को कैसे फॉलो करना है। मान लो एग्जाम्पल है हमारी जो सम आ रहा है 47 मल्टीप्लाई 99, ये रूल्स वहाँ पर फॉलो किए जहाँ पर पीछे 999 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, 1 माइनस किया, 46 आया, फिर मैंने जो 46 आया था उसे पीछे वाली रकम से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया, 53, और 53 को मैंने
लास्ट में लिख दिया, और जो मेरा पहले 1 माइनस करके आया था ना वो मैंने 46 लिख दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 46.53। अगर आपने वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पर आपको वेरीफाई करके भी दिखा रही हूँ। 7 9 कितना हो गया 63, 63 का लगाया 3, फिर 7 9 63, 63 में 3 प्लस किए तो 69 क्रॉस किया। 4 9 36, 36 का मैंने 6 लगाया, 4 9 36, 36 में 3 प्लस किए तो 39 आया। अब दोनों को मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है। 3 का 3 लगाया, 9 6 कितने हुए 15, फिर 9 6 कितने हुए 15, 1 यहाँ पर गया, ठीक है। तो 15 प्लस 1 16, तो फिर 1 यहाँ पर गया तो 3 1 4। जहाँ देखो बेटा, हमारे बड़ों के लिए तो बहुत होता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बेचारे भूल जाते हैं कि हाँ ये मेरा जहाँ कैरी आया था वहाँ पर मैंने 1 लगाना था, जहाँ पर भी कैरी आया था 1 लगाना था, यहाँ पर जैसे 63 आया और अगले नेक्स्ट डिजिट में मैंने जो मेरा बच गया था, जैसे 6 बच गया था उसे मैंने प्लस करना, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप उसे ऐसे इजी मेथड से भी सम करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि वैदिक मैथ जो माना पर माना है, इंटरनेशनल इसे एफिलिएशन मिली हुई है, तो कोई इसे रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी, मैं पसंद आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, छोटे बच्चों के साथ, जो रिलेटिव में पढ़ रहे हैं उसके साथ शेयर करना, ताकि उनको जो मैथ है फोबिया ना लगे, उसे इंटरेस्ट क्रिएट हो, एक अच्छी चीज़ लगे और आपको ज़िंदगी भर याद रखें कि हाँ इसके कारण मुझे मैथ अच्छा लगा था। थैंक्स बेटा।